गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने केदारनाथ से नॉर्थ ईस्ट की राइड पर इस वक्त मैं हूँ अयोध्या से करीब 30 किलोमीटर पहले। आज हम लोग यहाँ से अयोध्या गोरखपुर होते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कल तो यहीं तक पहुँच पाए थे हरिद्वार से चल के। आज प्लानिंग है गोरखपुर ही रुक जाऊँ, डिसाइड नहीं है कि क्या करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग मैं सोच रहा हूँ कि अयोध्या होके आते हैं आज, क्योंकि कभी मैं अयोध्या गया भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं है वहाँ पर। सोच रहा हूँ कि अभी ऐसा करता हूँ, थोड़ा गाड़ी चलाऊंगा फिर डिसाइड करूंगा कि जा रहा हूँ अयोध्या या नहीं। फिलहाल रात को इस ढाबे पे रुक के मैंने अपना टेंट वेंट लगा लिया था और ये बैग वैग मैंने लोड कर लिया है बाइक पर। फिलहाल बाइक उठाते हैं, यहाँ से आगे निकलते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि हमारी केदारनाथ से नॉर्थ ईस्ट की एक राइड चल रही है, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को कवर करने के लिए निकले हैं। कितना कवर कर पाएंगे ये तो आप लोगों को वीडियो के देखने से ही पता लगेगा। कहाँ कहाँ हम क्या क्या करेंगे ये सब भी आपको वीडियो से देखने से। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी जर्नी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अयोध्या से जो सिलीगुड़ी का सफर है ना वो दिखा रहा है करीब 15 घंटे का, तो मतलब आज तक नहीं पहुंचते हम, कल ही पहुंचेंगे। तो आधा सफर हम आज तय करेंगे जो कि 300 कुछ किलोमीटर का रहेगा और बाकी का कल का सफर हम फिर करेंगे। सोच तो रहा था कि मैं अयोध्या हो लूं, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया संडे का दिन है, बहुत रश मिलने वाला है। तो देखते हैं अभी जाते हैं या नहीं जाते हैं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। अयोध्या पहुंचने से पहले डिसाइड कर लेंगे। अभी यहाँ से अयोध्या करीब 17-18 किलोमीटर और रह गए, तो अयोध्या पहुंचने से पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। मन तो मेरा बहुत है यार कि होके आता हूँ, और अपने पास टाइम भी है, कोई ऐसी जल्दी वाली बात नहीं है। अपने को आज मुश्किल से 300-350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, तो वो चली जाएगी किसी ना किसी तरह। अयोध्या को बाईपास करते हुए निकल गए गोरखपुर की साइड को। मन तो था वैसे अयोध्या जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अभी ना बहुत ज्यादा भीड़ होगी, आज संडे है बहुत ज्यादा भीड़ होगी और मेरे को बहुत ज्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने बाईपास लिया और मैं निकल गया गोरखपुर की साइड को। लो भाई लो, गोरखपुर लखनऊ हाईवे पे आ गए। खटीमा पीलीभीत लखनपुर वाला जो रूट है ना, लखीमपुर वाला सॉरी, वो थोड़ा पतला है और ये वाला जो रूट है ना ये चौड़ा है पूरा का पूरा, तो इसलिए इस पे ना थोड़ी स्पीड ज्यादा रहती है, लेकिन ये वाला रास्ता जो है वो छोटा पड़ता है। राइड करते करते ना पता ही लगा कब 100 किलोमीटर पूरे हो गए और हम रुक गए एक ब्रेक के लिए। फिलहाल पराठे मंगाए हैं, पराठे खाएंगे, चाय पियेंगे और निकलेंगे आगे। चलो जी, काफी देर बैठ गए, काफी आराम कर लिया, मजे कर लिए। आज ना मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, जनरली इस टाइम पर ना अच्छी खासी धूप निकल आती थी, लेकिन आज मौसम बहुत बढ़िया है भाई, मजा आ रहा है बाइक राइड करने में। 100 किलोमीटर मेरे पहले ना ऐसे निकल गया, मेरे को पता भी नहीं लगा कि मैं कब 100 किलोमीटर क्रॉस कर गया। मैं तो बस मजे में चले जा रहा था, फिर ध्यान आया भाई नाश्ता भी तो करना है अपना ना। आज ज्यादा सफर नहीं है, मतलब 300-400 किलोमीटर ही अपने गाड़ी चलानी है और फिर वहां से 300-400 किलोमीटर ही रह जाएगा सिलीगुड़ी। और बीच में मेरे को मेरा एक जो दोस्त कर रहा कल ज्वाइन करने के लिए, तो मैं उसकी वजह से ही आज आराम से चल रहा हूँ। अभी तो फोन उठाया नहीं, मैंने फोन किया था उसको, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है। अगर फोन उठा लेगा और आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया बात है, वरना 3 तारीख को ना सिलीगुड़ी में मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उन्हीं के साथ फिर आगे की राइड होगी, तो मैं तब तक एक दो दिन क्या करूंगा मैं सोच रहा हूँ अकेले। भाई बारिश की ना बूंदे पड़ने लग गई है और मेरे को डर है कि अगर ये तेज होगी तो हमारी राइड थोड़ी सी डिले हो जाएगी। और क्या कहते हैं, फोन तो मेरा खैर वाटर रेसिस्टेंट है, हल्की फुल्की बारिश से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, इस कैमरे को भी हल्की फुल्की बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर ऐसी रहेगी तो चलते रहेंगे, अगर तेज होगी तो कहीं रुक जाएंगे भाई। बाबू घर तो यहाँ पैदल कैसे कैसे हम पार गए नहीं हो, काफी कितने लोग क्या क्या हुआ था। तो भैया बता रहे उनकी माता जी 2013 की आपदा में फंसे थे केदारनाथ में है। बादल फट के पूरा पानी आ गया था, बादल फट के पूरा पानी जो, तो उन्होंने तो सब अपनी आंखों से देखा होगा वहाँ पे जो हुआ जो, हाँ, है ना, जो नाला था नदी बन गया। अरे बाप, कहाँ रहते हो आप, यही रहते हो। चलो ठीक है भैया, बाबा केदारनाथ की कृपा हुई आपकी माता श्री पे जो बच गए। तो ये यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुका था गोरखपुर के पास में ही हूँ अभी, तो यहाँ पे भैया थे ना, मैंने इनको बताया मैं केदारनाथ से आ रहा हूँ, तो कह रहे यार जब 2013 में आपदा आई थी तो हमारी माता श्री वहाँ पे फंस गई थी। तो भाई मैं तो सोच के ही, मैंने कहा यार अब किसी ऐसे से मिलने का मौका मिल रहा है जिसने त्रासदी को बिल्कुल पास से देखा है, पूछता हूँ। तो भैया कह रहे हैं थोड़ा दूर रहता हूँ मैं, जा नहीं सकता, वरना मैं इनके घर लेके चलता आपको इनकी माता जी से मिलवाता। एक चीज़ और हो गई अपने साथ, अपना जो प्लान था ना उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। भाई अपने ऐसे ही है, मतलब जहाँ मन करेगा ना वहाँ गाड़ी मोड़ लेंगे अपन, जहाँ से कोई कहेगा भाई यहाँ पर अच्छी जगह है यहाँ चलते हैं,
तो मेरा प्लान था यहाँ से सीधे जाने का और फिर वापसी में पटना साहिब जाने का। तो अभी अभी मेरी एक मेरे मित्र से बात हुई तो उसने कहा यार मैं पहुंचूंगा 3 तारीख तक सिलीगुड़ी और मैं कल ही पहुंच जाऊंगा सिलीगुड़ी 1 तारीख। तो मेरे पास बीच में 2 दिन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अभी पटना साहिब बोले और बाद में जब हम वापसी में होंगे तो फिर वापसी में देखेंगे कि कहाँ जाते हैं। कल पूरा दिन पटना में बिताएंगे, आज जाके पटना साहिब गुरुद्वारे में रुकेंगे और कल भी हम वहीं पर रहेंगे। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे झटके में करके आवाज निकालो ना। रुको जरा, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया भाई, पूरा का पूरा ट्रक पलट गया भाई साहब, पूरा ट्रक पलट गया। स्पीड में होगा ट्रक और ऐसे चला रहा होगा तो पलट गया, वजन ज्यादा रहा होगा गाड़ी में एक तरफ। यही होता है भाई ओवरलोडेड गाड़ियों का, ओवरलोडेड ट्रक होते हैं ना जो, वो ऐसे ही होते हैं, ऐसी दिक्कतें आती ही हैं उनमें। तो दोस्तों मुझे नहीं पता हम लोग कहाँ पर हैं, बस यहाँ पर ना मौसम बहुत बढ़िया हो गया, बहुत मजा आ रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी पीछे, अभी भी हल्की फुल्की बूंदे गिर रही है। मैं बस यहाँ पर 2-3 फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए रुका था, 2-3 फोटोज क्लिक करी है, मस्त मस्त सी मजा आ गया। और ये खूबसूरत सा नज़ारा भाई, खेतों का ना नज़ारा ही अलग होता है, ये पूरा ग्रीन होता ना अभी और ज़्यादा खूबसूरत लगता। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ फसलें वगैरह हैं, शायद ये काट दी गई हैं या ख़राब तो नहीं हुई है, हाँ काटी गई है। नज़ारे को देखने के लिए मैं रुक गया था यहाँ पर। जब ऐसी हल्की हल्की बारिश हो जाए ना राइड पर, गर्मियों के दिनों में स्पेशली, बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत सुकून सा हो जाता है। और अपनी बाइक देखो कितनी मस्त लग रही है इस हाईवे पर खड़ी हुई, क्या मस्त सा व्यू आ रहा है भाई। कैमरा वैमरा अभी नहीं उठाया, मोटो व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, बूंदे पड़ रही है ना बारिश की, अगर उसमें हल्का सा भी पानी जाएगा तो खराब हो जाएगा और आगे की राइड पर हमारी खराब हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही मोबाइल से रुक रुक के कहीं कहीं पे व्लॉग करेंगे और फिर चलते रहेंगे। अभी बाइक उठाते आगे बढ़ते हैं, देखते कहाँ पहुँचते हैं। तो काफ़ी देर से ना बारिश हो रही थी इसलिए मैं आके इस ढाबे पे बैठ गया और आराम से अपना वीडियो वगैरह करके अपलोड कर दिया भाई, थोड़ा सा रह गया, अपलोड हो जाएगा, टाइम से देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। फिलहाल चल यार फैमिली ढाबे पर रुके थे और ये है यहाँ पर, खाना बहुत टेस्टी था, चाय बहुत टेस्टी थी और रीजनेबल प्राइस, मज़ा आ गया। 100 रुपये में भरपेट खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, चाय पी, अभी समझ लो इतने में सब कुछ हो गया। तो फिलहाल बाइक निकालते हैं, बाइक भी मैंने अंदर पार्क कर दी थी क्योंकि बाहर बारिश थी तो आराम से अंदर खड़ी हो गई थी अपनी बाइक। बाइक निकालते हैं और निकलते हैं। अब कैमरे का ना कार्ड फुल हो गया तो, और वो निकालने के लिए ना मेरे पास उसका इंजेक्टर नहीं है, तो आगे कोई मोबाइल शॉप आएगी तो वो ले लेंगे और चेंज करके कार्ड, फिर मोटो व्लॉग करेंगे। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। सुबह हम लोग निकल चुके हैं आगे और बहुत ही ना बढ़िया सा मौसम हुआ पड़ा है भाई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मजा आ रहा है। और अभी पापा का कॉल आया था, बता रहे थे लालकोए में बारिश वाला मौसम बने, मैंने कहा यहाँ पर तो होके रुक गई है बारिश, ठीक है माहौल बना हुआ है, आराम से चलेंगे, मजे करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। कल पूरा दिन हम पटना में रुकने वाले हैं, डेली ना शाम को 5 बजे वीडियो आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना डेली शाम को 5 बजे वीडियो आ रहे हैं और डेली आएंगे। 2 महीने तक तो एटलीस्ट लगातार शाम को 5 बजे आप लोगों को वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। बस अपना साथ बनाए रखिए अपने इस भाई पे, थोड़ा सा साथ दीजिए, खूब अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अभी जा रहे हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट राइड पर और जल्दी हम कहीं और की राइड पाएंगे, ऐसे कर करके हम आपको अलग अलग जगह घुमाएंगे। हाँ तुम भी आ रहे हो, ये लगेगा 4-5 दिन चलते चल रहे हैं, लोग बाइक को बहुत घूर रहे थे, मैंने कहा आ जाओ भाई तुम भी वीडियो में आ जाओ। अब इनको देख के ना कई लोग मुझसे कहेंगे कि भाई इनको बोलते हैं कि हेलमेट पहने, भाई लोकल में ना मतलब लालकोए के अंदर मैं भी होता ना तो लालकोए के अंदर मैं भी नहीं पहनता हेलमेट, ये लोग लोकल ही है यहीं कहीं आस पास के, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा कुछ खास कहा नहीं, ठीक है यार अपने काम से काम रखना चाहिए, अगर लगे कि हाँ कोई गलत कर रहा है, कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, आराम से चला रहे थे तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, कोई गलत तरीके से चला रहा था तो जरूर मैं टोकता। और यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं भाई, किस किस को बोलोगे आप, यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं बिना हेलमेट के। लो भाई हम लोग अपने 3रे राज्य बिहार में एंटर हो गए, इस पूरे ट्रिप में ना कम से कम आपको 10 बंद है क्या, देखते हैं भाई क्या सीन है, रास्ता बंद, अच्छा चेकिंग चल रही है, लाइसेंस के लिए यार हमें तो किसी ने रोका ही नहीं, हम तो चाह रहे थे कि रोके, आगे रोक लो प्लीज़, रोक के गाड़ी के पेपर चेक कर लो। थंबनेल मिल जाएगा हमें, निकल जाऊं मैं, बताओ रोक ही नहीं रहे यार, हद होती है, मैं तो कह रहा हूँ रोक लो यार, रोक नहीं रहे, बताओ हद होती है। ये तो जब प्रॉपर गियर्स में होते ना तो कोई नहीं रोकता भाई, ये बात तो सच है, मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है ना
मतलब अगर आपके पास पेपर्स नहीं है ना गाड़ी के, आप प्रॉपर गियर में होकर चल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, कहीं नहीं रुकता कोई। भाई अगर आप बिहार में राइड कर रहे हो ना, बहुत संभल के चलाना, कोई भी कहीं से भी गाड़ी डाल रहा, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कैसे भी घुस जा रहे हैं भाई, देख भी रहे हैं कि गाड़ी पास में है और तेजी से आ रही है, लेकिन नहीं, हम तो डालेंगे भाई, हमें नहीं मतलब, हमें मतलब ना है कि गाड़ी तेज आ रही है तुम्हारी, तुम ब्रेक मारो, तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी गाड़ी खुद संभालो, हम तो घुस जाएंगे बीच में। अरे झंडे काहे के लगे हैं यार, बड़े अच्छे से लग रहे हैं, पूरे रास्ते में लगे हुए, लेकिन भाई कोई भी कहीं से भी घुस रहा है, गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है यहाँ पे बिहार में, जैसे एंटर हुए ना। हाय राम, अभी देखो नहीं भाई, ये तो शरीफा, वरना भाई इतनी देर में तो डाल देता बंदा, तू आ रहा है तू संभाल, मैं क्या जानू, तू ढोकेगा तू झेलेगा। तो भाई फिर से हमने 100 किलोमीटर रन करने के बाद एक ब्रेक ले लिया, और यहाँ पे ये ऐसी मटरी का सा डिजाइन देख लो, समोसे की तरह ऐसा मटरी मिला है बिहार। और ये रही हमारी चाय, ये गोपालगंज के पास कोई जगह पड़ती है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, मतलब चाय पीते हैं, मटरी खाते हैं, फिर निकलेंगे आगे। चलो जी चला जाए, यहाँ से अभी भी 135 किलोमीटर का सफर अपना बाकी है। पता नहीं भाई गूगल भैया ने हमें कौन से रास्ते में डाल दिया है, बिल्कुल पतला सा रोड है, देखो ये गई गाड़ी और ये गए हम, कितना पतला सा रोड है भाई, कहीं 15 किलोमीटर का ये रोड है। जब मैं इस रोड पे एंटर कर रहा था ना, मैंने एक गाड़ी वाले से पहले कंफर्मेशन लिया कि भाई ये रोड सेफ है, तो उसने बोला हाँ हाँ सेफ है चले जाओ। हालांकि छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, काफी लोग वगैरह भी नजर आ रहे हैं, इसलिए कोई डर वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रोड ना बड़ा अजीब सा है, मतलब बहुत पतला सा रोड है, और कई बार इस तरह का वो आ रहा है सीमेंटेड वाला रोड, तो गाड़ी बड़ी खड़खड़ कर रही है। कल इसका हैंडल थोड़ा सा टाइट कराएंगे, हैंडल भी ढीला है यार, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, हाईवे पे चल रहा था तो पता नहीं लग रहा था, लेकिन जब ऐसे कच्चे रोड पे आया ना तब पता लगा है। ये तो पूरा का पूरा शहर आ गया मेरे ख्याल से। जय हो हनुमान जी, हनुमान जी की मूर्ति बड़ी कमजोर सी बना रखी थी यार उन्होंने। अब जाके एक अच्छा रोड मिला है, करीब लास्ट के 50 किलोमीटर बचे थे तब जाकर मेरे को ये रोड मिला है ऐसा, और रात के करीब 10:15 हो चुके हैं भाई। पहले लग रहा था कि पहाड़ों की किसी रोड पे मैं सीधी सीधी रोड पे चल रहा हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ कहीं हाईवे पे चल रहा हूँ भाई। तो पतले पतले रोडों से मेरे को लेकर आया ना ये गूगल भैया, और था भी वही रास्ता, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता हो, वही रास्ता था पटना आने का, और ये तो पतले पतले रास्ते थे। ट्रक वाले से मैंने पूछा भाई, कह रहा भाई हमें तो पूरा 250 किलोमीटर का टर्न लेना पड़ता है, आपको तो 135 किलोमीटर पड़ेगा, और 100 किलोमीटर मैंने ऐसे ऐसे रास्तों पे चलाई ना भाई गाड़ी, क्या बताऊं, परेशान हो गया मैं। दिल्ली की गलियां ज्यादा चौड़ी है बजाय यहाँ के स्टेट हाईवे के।